बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हफीजा कवल, बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले मशहूर हेडलाइंस। वज़ीर आला बलूचिस्तान का मैरुल्ला बादिनी की वालदा के इंतकाल और साबिक सदर मरहूम ममनून हुसैन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। रेड क्रीसेंट सोसाइटी बलूचिस्तान का कुलीती किरदार अहमियत का हामिल है। सूबाई वज़ीर दाखिला का इजहार ख्याल। सूबाई वज़ीर दाखिला की क्वेटा हज़ार गंजी में धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत और वर्ड के करीब ट्रैफिक हादसे पर इजहार अफसोस। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत ने सिविल सेंटिमेंट हस्पताल क्वेटा में जेर इलाज एक मरीज की ऑपरेशन में ताखीर से मुतालिक वायरल होने वाली वीडियो की रिपोर्ट तलब कर ली। केस्को की अबतर हालत को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें। ऑल पाकिस्तान वापरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स केस्को और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केस्को से पुरजोर मुतालबा। वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार की वफाकी वज़ीर इत्तला'आत से मुलाकात। तुर्बत में रेडियो पाकिस्तान से निकाले गए मुलाजमन की बहाली पर तबादला ख्याल। तुर्बत इंतजामिया ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को मद्देनजर रखते हुए कराची से तुर्बत आने वाले मुसाफिर कोचों को तुर्बत से बाहर रोक दिया। मसूम लेवीज के अमले ने चोरी डकैती के केसेस में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीजाम कमाल खान पीर के रोज़ डिप्टी सेक्रेटरी स्टाफ वज़ीर आला सेक्रेटरेट मेहरुल्ला बादिनी की रिहाइश गाह पर गए, जहां उन्होंने उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत और फातह ख्वानी की। वज़ीर आला ने मरहुमा की रूह के इसाल सवाब बुलंद दर्जात और सुगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। इस मौके पर कमिश्नर क्वेटा डिवीज़न असफंदियार काकर भी मौजूद थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीजाम कमाल खान साबिक सदर मरहूम ममनून हुसैन की रिहाइश गाह गए, जहाँ उन्होंने उनके अहल खाना से मुलाकात की और साबिक सदर की वफात पर उनके ख़ानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने इस मौके पर साबिक सदर के लिए दुआ मगफरत और फातह ख्वानी की। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने कहा है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने और कुदरती आफात में इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखने के हवाले से रेड क्रीसेंट सोसाइटी बलोचिस्तान का कुलीदी किरदार है। लिहाजा ज़रूरी है कि इस इदारे को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के तहत चलाएँ, ताकि इस इदारे से मुआशरे के ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और मुस्तहिक अफराद मुस्तफीद हो सकें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रेड क्रीसेंट सोसाइटी बलोचिस्तान का एयरपोर्ट रोड पर वाक़े ऑफिस के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी और पाकिस्तान रेड क्रीसेंट सोसाइटी बलोचिस्तान के चेयरमैन अब्दुल बारी बड़ेज समेत तहरीक इंसाफ के सूबाई अहदेदारान और सीनियर कारकुनान भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर दाखिला मिर्ज़ाउल्लाह लांगो ने क्वेटा हज़ार गंजी में धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए आईजी पुलिस बलोचिस्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर दाखिला ने धमाके में ज़ख्मी होने वालों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं, वो इस्लाम और इंसानियत के दुश्मन हैं। मासूम लोगों की जानों से खेलना कहाँ की इंसानियत है। दुश्मन की मजमूम कार्रवाइयाँ अवाम, हुकूमत और पाक फ़ौज के दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमारे अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकता। दुश्मन नहीं चाहता कि बलूचिस्तान में अमन कायम हो, मगर हम दुश्मन को नाकाम बना देंगे। बलूचिस्तान खत्ते का अहम सूबा बनने जा रहा है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि मुजरमान को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी की। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर रुबाबा खान बुलेदी ने सिविल सेंटिमेंट हॉस्पिटल क्वेटा में जेरे इलाज एक मरीज जिसके ऑपरेशन में ताखीर से मुतलिक वीडियो वायरल हुई, उस वीडियो का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। जिस पर सिविल सेंटिमेंट हॉस्पिटल क्वेटा के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद अख्तर ने बताया कि खुदाए रहीम नामी ये शख्स 7 जुलाई को सिविल सेंटिमेंट हॉस्पिटल क्वेटा लाया गया, जिसका इब्तदाई तिबी मुआयना सिविल सेंटिमेंट हॉस्पिटल क्वेटा की ऑर्थोपेडिक यूनिट के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद बख्श शाहवानी की सरबराही में किया गया। मरीज का फ्रैक्चर पुराना था, जिसका कबल अजी इलाज मौलजा रिवायती हड्डी जोड़ अफराद से कराया गया, जिसके नतीजे में फ्रैक्चर ख़राब हो गया और इन्फेक्शन शदीद होने के बायस फौरी तौर पर ऑपरेशन करना नामुमकिन था। इसलिए मरीज को वार्ड में दाखिल करके एंटीबायोटिक अद्वियात और इंजेक्शन दी गई और ये महंगे इंजेक्शन अस्पताल की जानब से बिलातात और हस्ब ज़रूरत मुफ्त फराहम किए गए। और पाकिस्तान वापरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBA बलोचिस्तान के सूबाई चेयरमैन मोहम्मद रमज़ान अचकज़ई समेत दीगर ने एक मुश्तरका बयान में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स केस्को और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केस्को से पुरजोर मुतालबा किया है कि वह केस्को के अबतर हालात को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें।
उन्होंने कहा कि साल हर साल कैस्को के मजदूर कत्ल हो रहे हैं, बिजली के करंट से मर रहे हैं और ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो रहे हैं। वर्कर्स की इन्हीं कुर्बानियों की वजह से बिजली की सप्लाई सार्फिन तक बहाल है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तमाम MNAs, MPAs, वफाकी और सूबाई वज़रा और सैनेटर्स काबिल एहतराम हैं। इसी तरह हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां जो इस मुल्क के आइन और कानून के तहत काम कर रही हैं, चाहे वो इक्तदार में हो या अपोजिशन में, उनका भी एहतराम करते हैं। वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार ज़ुबैदा जलाल की वफाकी वजीर इत्तलाक़ फवाद चौधरी से मुलाकात। तुर्बत में रेडियो पाकिस्तान से निकाले गए मुलाज़मीन की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। पीर के रोज़ बलोचिस्तान अवामी पार्टी की रहनुमा वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार मोहतरमा ज़ुबैदा जलाल ने वफाकी वजीर इत्तलाक़ फवाद चौधरी से मुलाकात के दौरान रेडियो पाकिस्तान तुर्बत के निकाले गए मुलाज़मीन की दोबारा तैनाती पर बातचीत हुई। वजीर इत्तलाक़ ने मुलाज़मीन के मसाइल के हल की यकीन दहानी कराने के साथ साथ पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तबादला ख्याल किया गया। तुर्बत इंतजामिया ने कोरोना वायरस की बढ़ते हुए केसेस को मद्देनजर रखते हुए कराची से तुर्बत आने वाले मुसाफिर कोचों को तुर्बत से बाहर रोक दिया। मकामी इंतजामिया का कहना है कि तुर्बत और गवादर में कोरोना वायरस की चौथी लहर डेल्टा वायरस के बढ़ते हुए फैलाव को मद्देनजर रखते हुए गवादर और तुर्बत में इंतजामिया ने लॉकडाउन कर रखा है, जिसकी वजह से बाहर से आने वाली ट्रांसपोर्ट और दीगर को इजाज़त नहीं, जिसकी वजह से कराची और दीगर इलाकों से आने वाली गाड़ियों को शहर से बाहर के साख के मकाम पर रोक रखा है, क्योंकि इलाके में डेल्टा वायरस के केसेस कोरोना की चौथी लहर में तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन इलाकों में लॉकडाउन किया गया है ताकि केसेस के बढ़ते हुए फैलाव को रोका जा सके। मस्तूम लीविस के अमले ने चोरी डकैती के केसेस में मतलूब मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मस्तूम मेजर रिटायर्ड इलियास कब्जई की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में लीविस के अमले ने पुलिस को चोरी के मुकदमे में मतलूब मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद कार्रवाई लीविस इंतजामिया कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारी वेबसाइट www.mashreq.com.pk।